सौतन की सुहागरात पार्ट टू। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देवी का घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहागरात का इंतजाम करती है। समर्थ और देवी का दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तब देवी का कहती है, सुनिए आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? अब नहीं नहीं रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देवी का आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूं पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देवी का जट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देवी का मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे, तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी, आखिर मेरी सहेली की सुहागरात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवी का दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देवी का समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देवी का उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, अब उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे, मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत तेज आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी, मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है,
अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां जाती है और कहती है, ये लो महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हूँ? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहाँ से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पांव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तुम्हें माँ के पांव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे क्यों नहीं लगेगा भला, पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों, अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूँ, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं, खुश। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का, इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आ रहा है ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार पांचवी पास ये बता रही है,